उसका नाम फातिमा उर्फ अमीना उर्फ मोटी है। अब सब उसे मुरादाबाद के निसार अली की बीवी के तौर पर जानते हैं। उसके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड सहित तमाम दस्तावेज हैं, लेकिन ये उसकी असली पहचान नहीं है। उसकी असली पहचान है एक घुसपैठिए की, म्यांमार के एक ऐसे रोहिया घुसपैठिए की जो 17 साल पहले बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसी थी। उसे उत्तर प्रदेश में एक मीट फैक्ट्री में काम मिल गया, रहने को घर मिल गया, निकाह करने को शौहर मिल गया। दुनिया को उसकी असली पहचान की भनक तक नहीं लगती यदि मुरादाबाद पुलिस को किसी मुखबिर ने उसकी जानकारी नहीं दी होती। उसी के शौहर ने दी होगी भैया, मैं बता रही हूँ, ये लोग बांग्लादेशियों से शादी कर रहे हैं, पाकिस्तानियों से शादी कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनसे मन भर जाता है तो इनकी मुखबरी कर देते हैं। मैं आपको एक किस्सा बता देती हूँ, आप कहोगे प्राची को कितने किस्से मालूम है, पहले मैं इसको पूरा पढ़ लूँ। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 17 अप्रैल 2023 को फातिमा और उसकी उन तीन बेटियों रेहाना, गुलशन और अर्शी, जिन्हें वह लेकर भारत आई थी, गिरफ्तार कर लिया। मतलब रेडीमेड लड़कियां भारत लाई थी ये। उसके शौहर निसार को भी गिरफ्तार कर लिया है। निसार ने पूछताछ में कबूला की उसे फातिमा के भारतीय नहीं होने की जानकारी निकाह से पहले ही थी, यह भी पता था कि वह अवैध तरीके से भारत में घुसी है। ये सभी लोग पिछले 6-7 महीने से मुरादाबाद के कटघर इलाके की गली नंबर 8 में किराए के एक मकान में रह रहे थे। पूछताछ में फातिमा ने बताया कि वह 17 साल पहले बांग्लादेश के रास्ते भारत आई थी। ये झूठ है, ये अभी आई होगी, जितनी लड़की उसकी बड़ी होगी उतनी ही वो आई होगी, ये झूठ बोल रही है। क्योंकि इन्होंने कहना सीख लिया, हम 20 साल पहले आए, हम 30 साल पहले आए, हमारा तो भले ही जो फ्लाईओवर है वो सन 2000 में बना हो, लेकिन हमारा फ्लाईओवर तो सदियों से था, वो आसमान में तैर रहा था, वो मजार जो थी आसमान में तैर रही थी, ठीक उसी प्रकार से ये रहते हैं। भैया इनकी तो बातों में ही झूठ है, जब मुंह खोले अलतफिया, जब मुंह खोले झूठ, वो झूठ बोलो और झूठ के अलावा कुछ मत बोलो। पूछताछ में फातिमा ने बताया कि 17 साल पहले बांग्लादेश के रास्ते भारत आई थी, इसके बाद वह मीट फैक्ट्री में काम करने लगी थी। यहाँ उसकी मुलाकात निसार से हुई। उसने बताया कि भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए उसने उम्र में कई साल छोटे निसार से निकाह किया। इसके बाद निसार ने सभी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाया, बैंक में खाता खुलवाया। कुल मिलाकर 17 साल पहले अवैध तरीके से भारत में घुसी एक रोहिंग्या महिला और उसकी बेटियों को वैध नागरिकता बनाने में निसार की पूरी मदद की। भैया 17 साल पहले कौन सा आधार कार्ड बनता था? जानकारी के अनुसार रोहिया महिला का निसार से दूसरा निकाह किया था। भाई उसको क्या है, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो कुछ भी कर सकती है नीचे लेटने के लिए। उसके पहले शौहर की मौत हो चुकी है, उससे उसे 3 बेटियां हैं। अब भगवान जाने, अल्लाह जाने, ऊपर 3 बेटियां हैं, पति शौहर मर चुका है कि जिंदा है, हमें क्या पता। बांग्लादेश में उसके कितने शौहर हैं, शौहर ही है कि दलाल है कि ग्राहक है कि कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा इनका वो कारखाना तो वही चलता है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी तो वही है, दूसरी मंडी पाकिस्तान में है। इसके बाद 10 फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, बाप रे, मतलब 2000 रुपए भी फोकट के ले रही थी भैया। मैंने आपको बताया था कि हमारे गरीबों का जरा श्रम कार्ड बना देना इंटरनेट में देखकर, वो देख लो इसका श्रम कार्ड पहले से बना हुआ है, ये रोहिया खा रहे श्रम कार्ड से और हमारे लोगों को दाने दाने को नसीब नहीं हो रहा है। याद है ना आपके अमानतुल्ला के लोग राशन बांट रहे थे कोरोना काल के दौरान, तो वो लोग कह रहे थे कि भैया ऐसा है तुमने हमें वोट नहीं दिया है तो तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन जमुना पार के जितने भी लोग थे उनको मिल रहा था। तो समझे ना, इन लोगों की औकात है कि ये भाईचारा निभाते हैं इसमें भी, और हमें जो है मिलता नहीं है कुछ भी हमारे लोगों को, हमारे लोगों को ना राशन कार्ड मिलता है ना कुछ मिलता है। इनके वहां कारें भी खड़ी होती है तो भी इनको 50-50, 100-100 किलो सस्ता वाला चावल दिया जाता है जिससे ये डोसा बना के खाते हैं, आपको पता है, और ये बेचते हैं। ये लोग ऐसे हैं, 8-10 महीने पुरानी या पिछले साल की कोई बात है, मैं आपको बता रही हूँ। ये क्या हुआ कि एक महिला थी, इसके बारे में पुलिस को सूचना मिली कि ये गैरकानूनी ढंग से भारत में रह रही है और ये पाकिस्तान से आई है और इसने यहाँ घर बना लिया, सब कुछ बना लिया। मामला ये था कि दरअसल वो 1990 समथिंग में वो भारत आ गई थी, उसके पति को कोई काम वाम नहीं मिल रहा था, पाकिस्तान में उसकी शादी हो गई थी, वो भारत आ गई, लेकिन भारत आने के बाद उसके जो अब्बा थे उन्होंने उसकी मदद करी उसके पति की, वो 2 बच्चे लेकर आई थी, 1-2 बच्चे उसके हो गए थे, यहाँ पर भी हो गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसके अब्बू का इंतकाल हो गया, जब उसके अब्बू खत्म हो गए
उन्होंने जायदाद बांटी। अब जायदाद बांटी तो उसके भाई को आ गया गुस्सा कि उसकी बहन को थोड़ी ज्यादा दे दी है। तो इसने क्या करा, तुरंत पुलिस को सूचना दे दी कि मेरी बहन को जो है उसने नागरिकता ले ली थी पाकिस्तान की, यहाँ उसने त्याग दिया था, वो पाकिस्तान की रहने वाली है, उसके बच्चे भी पाकिस्तानी है, उसके बच्चे पाकिस्तान में बॉर्न है और वो यहाँ रहती है। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पुलिस ने उसको डिपोर्ट करा या क्या करा, उसकी पूरी जो जायदाद थी वो उसके भाई को मिल गई। तो ये आपस में भी एक दूसरे को पकड़वा देते हैं, ये अच्छा तरीका है। पहले बुलाओ बुलाओ, पूरा काम करवाओ, उसके बाद या शादी कर लो, चार पांच पैदा कर लो, या फिर मजे लूट लो, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फोन कर दो पुलिस को। तो इसलिए भैया इन लोग तो आपस में ही कर लेते हैं, ये कुछ कभी मजे लूटने के लिए करते हैं, कभी कुछ लूटने के लिए करते हैं, इनका आपस में ही चलता है। ठीक है, इनका आजकल बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया है, कोई बांग्लादेशी खरीद लो, बेच लो, रख लो अपने घर में, आजीवन नौकरानी बना लो, कुछ कर लो। कई ऐसी बड़ी बड़ी कोठियां जहां बधवा जो है मजदूर टाइप की, ये रोहिया काम कर रही होगी।